मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा क्षेत्र के पाड़वी, तालपट्टा और कालियम में नुक्कड़ सभाओं में जनता को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशी पर जनता को धोखा देने के आरोप लगाए। सीएम ने जनता से धनबल के सहारे चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ जनमत देने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश थरमाणी, विधायक सुरेश कुमार, सुजानपुर के विधायक रंजीत राणा, केसीसीबी के चेयरमैन कुलदीप पठानिया सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में ये पहला मामला है जब निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को धोखा देकर भाजपा प्रत्याशी ने केवल अपने नाम पर 135 करोड़ के टेंडर लेकर खुद की आर्थिकी को बढ़ावा देने का काम किया और जनता के कार्यों को लेकर कभी भी उनसे मुलाकात नहीं की। सीएम ने कहा कि आशीष एक व्यापारी है और अपने काम करवाने के बावजूद कांग्रेस सरकार की पीठ में छुरा उसने घोंपा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कमल खरीद कर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायकों के साथ भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता भी नहीं हैं। क्षेत्र का चुना हुआ आजाद प्रत्याशी जिसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो चुका है वो इसका मेन सूत्रधार था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो जुलाई से इस कार्य में लगा हुआ था। मैंने कहा हम एक ही जिला के हैं, लेकिन उनकी रुचि किसी और में थी। मैं 14 महीने में डॉक्टर साहब, जब जुलाई में उसने हमारा साथ छोड़ना शुरू किया, मैंने डॉक्टर पुष्पिंदर जी को कहा कि आप जनता की सेवा में लोगों लगे रहो, ये जनता की सेवा में लगे रहे। विडंबना देखिए, वो मेरे पास किस काम के लिए आते थे और जिस काम को मैंने इनकार कर दिया। वो कहते थे कि मैं ठेकेदार हूं, मुझे ठेके भी चाहिए, इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्चा होता है। बीजेपी के समय में उसने 50 करोड़ के ठेके लिए और जब विधायक बना, एक साल में 14 महीने में, जब मैंने कहा कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, पैसा जिंदगी भर साथ नहीं जाता, लेकिन नियत में लालच था, 135 करोड़ रुपए के खर्चे विधायक बनने के बाद उसने लिए। उसने इन 14 महीनों में लिए, वो टेंडर ही भरते रहे और आपके पास आकर कहते रहे कि मेरा मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। पहली रैली मैंने उनकी एड्रेस की, सारे कामों को मैंने कराया, लेकिन वो हमें ही धोखा देते रहे। बता दें कि प्रदेश में 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।